अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तजियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, पीटीआई से बल्ले का निशान छिन गया है, अब क्या होगा, क्या करना चाहिए पीटीआई को? ये तो मुझे नहीं पता, पीटीआई वाले मुझसे बहुत सयाने हैं, बेहतर हैं, वो बेहतर जानते होंगे। लेकिन वो जो कहते हैं ना, मिल भी गया तो फिर क्या होगा, छिन भी गया तो फिर क्या होगा, जिंदगी छीनती रहती है, देती रहती है। तो होता वही है, वो जो कहते हैं ना, जो मंजूर है खुदा होता है। अच्छा, एक बात बड़ी दिलचस्प है, मैं जब मैंने ये सुना कल तो मैं सोचता रहा कि यार ये बल्ले का निशान बड़ा दिलचस्प है। उसकी वजह है कि बल्ला छक्का लगाने के भी काम आता है, ठीक है, आउट होने के काम भी आता है। ये तो वक्त वक्त की बात है, इसी बल्ले से छक्का भी लग सकता है, इसी बल्ले से आउट भी हो सकता है। और ना छक्का मुस्तकिल रियलिटी है ज़िंदगी की, ना आउट होना रियलिटी है ज़िंदगी की, ठीक है। अच्छा, मैं एक और बात सोच रहा हूँ कि पीटीआई को घबराना नहीं चाहिए, इलेक्शन कमीशन को इस बात पे शर्माना नहीं चाहिए, और बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अगर हैं आजमा के देखे जा सकें, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, कोई इधर उधर जो कोई भी होता है। तो बल्ले के हम वज़न बहुत से लफ्ज़ हैं, विजुअली तो डिफरेंट होगा लेकिन हम वजन हैं। मसलन बल्ला नहीं तो खल्ला, पंजाबी में कहते हो खल्ला, दूर फिट है मुँह, खल्ला भी हो सकता है बल्ले की जगह। अच्छा, छल्ला भी हो सकता है। एक 1965 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जीदार, उसका एक गाना बड़ा सुपरहिट हुआ था, छल्ला मेरा किन्ने कड़िया नी माँ, इस छल्ले दियाँ तुम्मा पइया, काबुल ते कश्मीर, छल्ला मेरा किन्ने कड़िया। अच्छा, छल्ला भी हो सकता है, फिर छल्ला भी हो सकता है। वो वैसे ही हमारा ऐसा खूबसूरत सिंबल होगा कौमी, छल्ला क्या है, आम आदमी पकड़ लो, मुंह खुला, आंखें वीरान, चेहरा उदास, पेट कमर के साथ लगा हुआ, एक छल्ला सा खड़ा कर लो। अच्छा, कुल्ला पकड़ लो पागलखाने से, वो खड़ा कर लो। अच्छा, बल्ला नहीं हो सकता तो थल्ला हो सकता है, जैसे मुल्की खजाने का जो पांडा है उसका थल्ला खाया जा चुका है, एक ऐसा बर्तन हो जिसका थल्ला खाया हुआ हो, वो आप पीटीआई को दे दें। अच्छा, कल्ला भी हो सकता है। अच्छा, फिर बल्ला की जगह बिल्ला भी हो सकता है, बिल्ला वो जो दूध की रखवाली बैठता है और दूध पी जाता है, यानी खयानत का, बद्दयानती का आला तरीन निशान। तुम्हारा ये खैर है, ये निशान निशून आते जाते रहते हैं, तारीख में कौन सा निशान जिंदा रहता है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। स्पार्टिकस से लेके विभा जपाटा तक, पता नहीं कौन कौन से लोग हैं, टीपू सुल्तान तक, वादियाँ हारने के बावजूद जिंदा हैं, फातहीन का कोई नाम भी नहीं जानता। कमाल देखो, नेपोलियन बोनापार्ट वॉज डिफीटेड, तुम बताओ, पढ़े लिखे हो माशाल्लाह, जिसने वो जंग जीती थी बॉटलू की, उसका नाम क्या है? ए तारीख है भाई, ये किसी और भाव बिकती है और किसी और भाव बेचती है। बल्ला शल्ला छोड़ो, और मुझे तो वैसे ही चेड़ा है बल्लों शल्लों से, मेरा पास चला तो मैं क्रिकेट वैसे ही बैन कर दूँ इस मुल्क में। पाकिस्तानियों को किसी एंटरटेनमेंट का इस्तेहकाक नहीं है, जिस घर में फाके नाच रहे हों, टके टोकरी, उन नहले खाना को हंसी, एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट जेब नहीं देती। आगे चलो। वेरी वेल सेड, निशान आने जाने वाली चीज़ें से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ हसन साहब, इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा कि पीटीआई ने इलेक्शन पार्टी आइन के मुताबिक नहीं कराए। सुभान अल्लाह, वाह, पढ़ी है आइन की किताब, ज़िया लग के सदके जाऊं, जिंदगी में एक सच बोला है। लेकिन सुभान अल्लाह, मुल्क की तारीख 75 साल में किसी ने इतना बड़ा सच नहीं बोला कि ये आइन क्या है, चंद कागजों पे मुश्तमिल एक चीथड़ा। जाओ हक का ये सच, कल भी सच था, उससे पहले भी सच था, आज भी सच है। अच्छा, इंटर पार्टी इलेक्शन, पार्टी ये बात सुनो, पार्टी इलेक्शन कोई चीज नहीं, बकवास, हम ढोंगी हैं, हम बहरूपी हैं, हम वारदाती हैं, क्या हम नहीं जानते
कि पीपल्स पार्टी नाम है भुट्टो का, भुट्टो कोई रहे ना रहे, नाम उसी का नवाज शरीफ निकाल दो, किधर है ये? वो तो खैर होते हुए भी कहीं नहीं रह गया। अच्छा मुमाइन इमरान खान, वट इज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या है ये, कौन है ये? वो ये इंडिविजुअल्स के गिर्द घूमता है इंट्रा पार्टी। हम मैं कहता हूं कि वेस्ट के फेंके हुए निवाले, अल्लाह माफ करे, वो जो कह करते हैं हम जैसे लोग चाटना शुरू कर देते हैं। इंट्रा पार्टी केड़ी पार्टी हो, पहले तो मैंने इतों शुरू करो, नेशनल लेवल पे केड़े इलेक्शन, फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन, बल्ले का निशान। ये हमने, हम बड़े चकरी किस्म के लोग हैं, हम बहुत चबल हैं। तर्जुमा अंग्रेजी का करने चले, डोमिसाइल को का तर्जुमा किया तवत्तन, जाओ पूरे शहर में फिरो, पढ़े लिखों से पूछो डोमिसाइल को उर्दू में, बामी फजूल बातें। अच्छा जनरल इलेक्शन जो होते हैं इनके मुताबिक होते हैं, धौस धन धांधली, आरटीएस माकटाई चीन, नोट वोट बिरयानी कीमे वाले नान और जात बरादरी, वो धुर फिटे मुंह जाती मुफादात। अच्छा कभी बैलेट बॉक्स गायब, कभी कैंडिडेट ही गायब, माशाल्लाह कभी पूरा इंतखाबी अमला गायब। ये अच्छा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के बाकी सारा कुछ मुताबिक है जो आप ये रोना लेके बैठ गए हो? और ये कोई नई बात नहीं कर रहा मैं, जुल्फकार अली भुट्टो के ज़माने में, वो पता नहीं उनका नाम नज़ीर था जमात इस्लामी के, कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं, शरीफ आदमी होंगे, अभी उनको शौकिया अगवा कर लिया, हालांकि बेचारे की औकात सिफर भी नहीं थी, लेकिन नहीं शौकिया है, कुछ काटता है इनको अंदर से इस तरह की हरकतें करने के लिए। अच्छा मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स, डेमोक्रेसी की माँ बेबे, बड़ी बेबे, जमहूरियत का जिसने जिसने ये बचा जना, मैं बरतानिया की बात कर रहा हूँ, वहाँ तो आइन लिखा हुआ है ही नहीं, लेकिन वो बंदे के पुत्र हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं। सो इसलिए छोड़ो ये आइन शाइन, ये इसका जिक्र ना किया करो, मैंने पढ़ना छोड़ दिया है, रट्टा लगाया हुआ है। कभी इंसानों के आप पाकिस्तानी के हकूक का अफसाना पढ़ो, वहाँ लगता है सलमा कमल का कोई रोमांटिक सा नावल, या बुशरा रहमान का कोई नावल, या हमीदा जबीन टाइप, इस तरह की जो हमारी राइटर्स होती थी एक ज़माने में, रजिया बट, फजूल। हम ढोंगी किस्म के लोग हैं, सोचते नहीं कि कर क्या रहे हैं, किस लफ्ज को किस तरह अब्यूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं फलाना, लेकिन नहीं इंतखाबात फलाना, जात बरादरियों में तकसीम हो तम, जाती मफादात की दौड़ है, कोई मायार नहीं, कोई अकल नहीं, कोई तमीज़ नहीं, जमहूरियत का शौक है पाले रखो, हमारा क्या जाता है। ठीक है अगली खबर पे चलते हैं। आम का खून पिला के पाल रहे हो इस जमहूरियत को, जमहूर का खून पिला के पाला जा रहा है, पालो, मैं देखता हूँ पहले इसने क्या किया जो आइंदा करेगी। चलो सही आगे चलते हैं साहब, साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत के तहरीरी फैसले में इजाफी नोट लिखते हुए जस्टिस अथर मिनला ने तहरीर किया कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ऐसे इल्जामात में कैद नहीं जो माशरे के लिए ख़तरा हो, वज़ीर आज़म को फांसी तक दे दी गई, किसी आमर ने एक दिन भी कैद नहीं काटी। सुभानअल्लाह, जस्टिस अथर मिनला जो हैं, जैसा मुनफरद इनका नाम है वैसे ही ये मुनफरद आदमी भी हैं। मुझे अदलिया से बाकी जो पाकिस्तानियों को रोना है, गिले हैं फांसी दे दी फलाना, उसके अलावा मुझे एक गिला और है अपनी अदलिया से, इन्होंने हमारे दो खूबसूरत लोग, मीडिया के दो खूबसूरत लोग छीने। एक ज़माने में अतर मिनल्ला साहब आया करते थे तो खूबसूरत गुफ्तगू करते थे, एक जस्टिस बाबर सत्तार हैं वो एक प्रोग्राम में हमारे साथ होते थे, अतर मिनल्ला साहब और उनके साथ मेरा ख्याल है फ़ोन पे ही बात हुई है एक बार इन लोगों से, मैं नहीं जानता, लेकिन ये बड़े खूबसूरत लोग थे मीडिया में, बड़े बैलेंस, बड़े मच्योर, पढ़े लिखे, बाकी तो फिर दानश्वरी की दुकानें हैं, दया जमाता पास डायरेक्ट दानश्वर हैं। तो बस अदलिया से यही एक शिकायत है कि हमारे मीडिया के दो खूबसूरत बंदे छीन लिए। बहरहाल चलो खैर बात अच्छी है।
ठीक है। इलेक्शन कमीशन के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दरमियान ये मुल्क झूल रहा है, झूलता रहेगा। दुआ करें झूला कायम रहे। मुगले आजम एक फिल्म थी दिलीप कुमार साहब की, वो याद आती है, जिसमें अकबर कहता है कि पता नहीं कौन, हाँ अनारकली को अकबर आजम कहता है कि सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। पाकिस्तानी अवाम अनारकली है, सुभान अल्लाह। कोई इसको जीने इनको जीने नहीं देगा, कुछ इनको मरने नहीं देंगे। और ये जिंदगी और मौत के दरमियान जैसे पेंडुलम होता है ना क्लॉक का। चलो ठीक है हसन साहब, बास तजियाकारों के मुताबिक नून लीग फील्ड में नहीं निकली, दीगर चीज़ों पर तकिया कर रही है। फील्ड में ना निकलना तो समझ आ रहा है, दूसरी चीज़ों पर तकिया करना की समझ नहीं आ रही। पहली बात तो ये, खैर वो आपको जो आपने कहा है कि फील्ड में निकलना तो समझ में आता है, तो बिल्कुल ठीक है, फील्ड है ही नहीं तो निकलना कहाँ है। वो जब खुड में से, बिल में से, कहते हैं ना वो सांप बिल में घुस गया या खुड में बढ़ गया फलाना, वो खुड में से निकलते हैं, ठाप पड़ती है बाहर से अवामी ठाप, फिर अंदर भाग जाते हैं। ये पिछले दिनों जलालपुर जट्टा गुजरात वगैरह की कि मैं निकले थे ना ये बिलों से बाहर, तो फिर क्या हुआ, सारे कबूतर गुब्बारे धरे के धरे रह गए। अच्छा तो ये वो लोग हैं जिनको फील्ड की आदत ही नहीं है। ये अंपायर खड़े करके खेलने वाले लोग हैं। हामिद मीर का वो क्लिप वायरल है आजकल, जिसमें उसने पूरी कहानी सुना दी है कि ये अपने क्रिकेट दा, वो इमरान को कहते हैं खिलंडरा, ओ भाई तू तो खिलंडरा, खुद बड़ा बड़ा सी लेकिन बुरी तरह नाकाम, उसने वर्ल्ड कप जीता, तुम बेचारे अंडर 19 भी नहीं खेल सके कभी, तो कभी अच्छा। ये हामिद मीर के प्रोग्राम में वो कहता है कि भाई वो नो बॉल दे देता था कोई कोई, एक कभी चीफ सेक्रेटरी को साथ रखता था ये एम्पायर्स के तौर पे, कभी DIG होता था। वो क्लिप सुन लें यार, मुझे तो क्रिकेट की समझ भी नहीं है लेकिन आई रियली इंजॉयड इट। मुझे जब किसी ने बताया तो मैंने कहा दिखाओ मुझे, उससे बंदे के कैरेक्टर का पता लगता है। पूरी जिंदगी डेस्परेटली कोशिश की क्रिकेट खेलने की, पता नहीं रेलवे में भी कोई भर्ती बुर्ती बड़े निचले ग्रेड में हो गए थे कि उसके थ्रू टीम में घुसे, पता नहीं, मत छोड़ो ठीक है, इसलिए ये फील्ड में नहीं निकल रहा है ये वो। हसन साहब, नून लीग के लिए बेतहाशा कुर्बानियां देने वाले सरकर्दा रहनुमा मखदूम जावेद हाशमी ने एक सोशल मीडिया इंटरव्यू में देते हुए कहा कि PTI अवाम में बहुत मकबूल हो चुकी है, हम बैसीत कौम एक्सपोज हो रहे हैं, मैं तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ। मैं उसने जो असली जुमला बोला है वो आप भूल गए, उसने कहा था कि PTI अवाम की जिद बन चुकी है, या PTI का जो सरबराह है वो अवाम की जिद बन चुका। ये जुमला 100 जुमलों पे भारी है। पहली बात तो ये है कि आप ठीक तरीके से कोट नहीं कर रहे। अच्छा जावेद हाशमी कौन है, मैं उसकी बहुत सी बातों से डिसग्री करता हूँ, मेरा पुराना ताल्लुक है यूनिवर्सिटी के ज़माने का, वो बस छोड़ो अब, लेकिन वो ताल्लुक बड़ा खूबसूरत है हमारा। ये जब माफ़ी तलाफ़ी मिनतें तल्ले कर करा के सिफारशें डरवा के जब जद्दा भाग गए थे तो कौन था, जावेद था, जावेद हाशमी था जो डटा रहा। मैं इसको जेल मिलने जाया करता था, हालांकि मुझे उसकी सियासत से इत्तेफाक नहीं है, लेकिन दलेर आदमी है, डटे रहने वाला आदमी है, अकल में कमी है, सुकम है, छोड़ के गया फिर अब साथ खड़ा है। ये इसी तरह का पागल ही कर सकता है ना, हम चूंकि बहुत सयाने हैं इसलिए हमें इस पागलपन की समझ भी नहीं आती। भरिया मेला छोड़ गया था, आज को फिर मरोड़ उठ रहे हैं, ये उसका टाइप है। उसने जितनी दलेरी से यहाँ वो जेल काटी है, पता है मैं जाता था उसको मिलने जाता था, तो बात जो उसने की है वो 100% दुरुस्त है, इसको चैलेंज कोई नहीं कर सकता। और अंदाजा लगाओ कितने मुंतकिम लोग हैं, वो इनकी ज्यादतियों की वजह से गया, वापस आया, उसके बाद उन्होंने उसको ऑन नहीं किया। लेकिन बहरहाल जो वो बात कर रहा है वो सही है, वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जो कैमरे के पीछे बैठे हैं हमारे वो भी जानते हैं, तो इसमें कौन सी अकल वाली बात कौन सी है, वो जिद बन चुका है लोगों की बस। ठीक है, लेजिट बात है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हसन साहब, नवाज शरीफ आजकल जैसे बहुत सी बातें दोहरा रहे हैं, मसलन हिसाब एहतसाब वगैरह, इसी तरह मोटरवेज बनाने की भी तकरार कर रहे हैं, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे?
यार मोटरवे बनाने की तकरार जो है ये ऐसे ही है, इसमें एक खास तरह की मुशाबहत है। ए तुम बम धमाका, बैठ क्या धमाका, उसको विजुलाइज करने वाला ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, शुरू कराने वाला अब्दुल कदीर खान को लाने वाला, नामसात तरीन हालात में अब्दुल कदीर खान मरहूम, अल्लाह उनकी मगफरत करे, उनकी टीम ने ये काम किया। बनवाने वाले, उसका पैरा देने वाले, उसको प्रोटेक्ट करने वाले, वो तो कभी बोल ही नहीं। मैं जिस तरह कोई इत्तफाक फाउंड्रीज बनाया सी, छोड़ो। अच्छा, अब जहाँ तक ये मोटरवे का ताल्लुक है तो रेमंड बेकर की किताब का मैं अक्सर हवाला देता हूँ, वो अंग्रेजी चाहे उन मियाँ साहब वो भी प्रॉब्लम होनी है। कैपिटलिज्म जैकली सील डर्टी मनी, रेमंड बेकर पढ़ लो, मेरे पास पढ़ी है ये। जब मीटिंग के लिए चक्कर लगाओगे आप तो याद कराना, मैं दे दूंगा, आप भी पढ़ लेना। अच्छा, पिछले दिनों साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान का इंटरव्यू, वो सुन लो, सोशल मीडिया पे वायरल है और यह मकबूल जान ने किया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि कोरियन सफीर को नवाज शरीफ से मैंने मिलवाया था और पाकिस्तान को किक बैक्स देने के इल्जाम में कोरियन हुकूमत ने उसे जेल भेज दिया। ये वजीरे आजम वो जेल में, सुभान अल्लाह। और ये सुन लें, ये मैं नहीं कह रहा, उन्हीं से फिर एवन फील्ड शील्ड ये वो वगैरह सुबह, ठीक है लगा रहने दो। ठीक है हसन साहब, सीनियर सियासतदान और साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी का कहना है कि नवाज शरीफ मुफामत से निकलकर एहतसाब के घोड़े पर चढ़े तो माजी की तरह हो जाएगा, नवाज शरीफ को जितना रिलीफ मिलता जा रहा है वो उतना ही जारहाना होते जा रहे हैं। यार पहली बात तो यह है कि मोहम्मद अली दुरानी मेरा भाइयों जैसा दोस्त है। मैंने आज से कोई 25-30 साल पहले मोहम्मद अली दुरानी को एक नाम दिया था, शहद की दलदल। तुम्हें पता है जो दलदल में गिर जाए वो फिर पछता नहीं, बल्कि जितने हाथ पांव मारता है उतना ही तेज़ी से वो गर्क होता है। तो मोहम्मद अली दुरानी शहद की एक ऐसी दलदल है जिसमें बंदे को ना डूबते हुए मज़ा आता है। अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग, बहुत मच्योर, बहुत सीजन्ड, मुतवाजन बंदा। सो 100% बात ठीक ही है, लेकिन या आपने अपनी तरफ से डाल दिया या मोहम्मद अली दुरानी ने यह कहा होगा, वो गलत है। इसे जारहाना होना नहीं कहते, इसे चौड़ होना कहते हैं। देखो कुछ लोगों की आदत होती है, हजरत अली के इस कॉल में बड़ी विजडम है कि किसी एहसान फरामोश पे एहसान करो तो उसके शर से डरो, इसमें बहुत विजडम है। लोग आम तौर पे गलत कोट करते हैं कि किसी पे एहसान करो तो उसके शर से डरो, ये गलत है। इसका मतलब है किसी पे एहसान करो ही ना, नहीं, इसको हमने डिस्टॉर्ट किया हुआ है। करम अल्लाह वजह का जुमला ये है कि किसी कमजर्फ पे एहसान फरामोश पे एहसान करो तो उसके शर से डरो, ये असल कहानी है। सो ये चौड़ हो जाते हैं, जारहानापन और चीज है भाई, ये चौड़ हो जाते हैं। तो दुरानी साहब को चाहिए अगर उन्होंने ये गलती की है अपनी गलती ठीक करें, अगर आपने गलती की है तो आइंदा नहीं। जी ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक हसन साहब, एमिरेट्स एयरलाइन के एक आला ओहदेदार ने इंटरव्यू में एतराफ़ किया है कि एमिरेट्स एयरलाइन के ईके में के कराची है, उसको ईके इसलिए कहा गया कि एमिरेट्स की पहली परवाज़ कराची में लैंड हुई थी। एमिरेट्स एयरलाइन को बनाने में पीआईए का मुकम्मल अमल दखल था। बिल्कुल दुरुस्त है, और एक ज़माने में मैं स्कूल गोइंग था जब पीआईए का स्लोगन था, बड़ा ही पॉपुलर, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, अब भूखे नंगे पीपल टू फ्लाई विद, नौकरियों की तलाश में जाए विद, खा गए। देखो बात सुनो, ये 70s की बात है, बड़ा रोमांस पाकिस्तान फलाना, ये बहुत बहुत उम्र भी अच्छी थी, अकल आज भी नहीं है, उस वक्त तो खैर बिल्कुल ही खाना खाली था। मैंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर के लिए एक दुआ लिखी, बड़ी पॉपुलर हुई ज़माने में,
तीन शेर सुनो मुझे याद हैं। शहरों को खुशहाली दे, खेतों को हरियाली दे। शहरों को खुशहाली दे, खेतों को हरियाली दे। सब चेहरों को चांद बना, सब होंठों पे लाली दे। सिर्फ तुझी से मांगे जो, ऐसे हाथ संभाली दे। हम पूरी दुनिया के आगे हाथ फैलाए फिर रहे। तब मैं आज से कहीं ज्यादा अहमक था। मैं जानता नहीं था कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल मटेरियल है ये कितना गंदा और गलीज है। ये रेलवे खा गए, ये लोहा खा गए, ये बेसिकली लोहा चोर है, स्टील मिल खा गए, पीआईए खा गए, रेलवे खा गए। ओ खुदा का खौफ करो, ए फिर भी इन्हें अकले नहीं आ रही। इनके नहीं पेट भरने, जब तक फटेंगे नहीं ये भरेंगे नहीं। ये अंदर से फटते हैं या कोई बाहर से फाड़ता है या फिर मैं नहीं जानता। अगर ये नहीं होता तो ठीक कहा उन्होंने, ये के बिल्कुल ठीक है। और ये सिर्फ एमिरेट्स की बात नहीं है, बहुत सी जगहों पे पीआईए ने बहुत कंट्रीब्यूट किया। प्राइड था ये पाकिस्तान का। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं सब। मीडिया सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरपोर्ट्स पर जजेस और उनकी फैमिलीज की तलाशी नहीं ली जाएगी, जबकि चीफ जस्टिस ने बैरून मुल्क रवानगी के वक्त ना वीआईपी गेट इस्तेमाल किया ना लेमोजिन गाड़ी इस्तेमाल की, जबकि उनकी अहलिया भी बाकायदा तलाशी के अमल से गुजरी। मैंने अभी कोई मेरा ख्याल है 1.5-2 महीने पहले मैंने सुना है कि दो साबिक चीफ जस्टिस, एक का ताल्लुक किसी और सूबे से है, एक का हमारे, उनके स्टाफ ने आईजी मोटरवे को कहा कि साहब ने निकलना है, ये जो सारे वो क्या स्पीड लिमिट्स वगैरह सब अंदाज़ा लगाओ मेंटालिटी का, वो तुमने कब तक इस मनसब पे रहना है। लेकिन वही डीएनए का मसला, ये वो लोग होते हैं बुनियादी तौर पे जिन्होंने वजा करना होता है, जिन्होंने शेप अप करना होता है सोसाइटी को, जिन्होंने तमीज़ सिखानी होती है, आदाब सिखाने होते हैं। अच्छा, मैंने जब ये ख़बर पढ़ी तो जो मेरे साथ होना था वही हुआ। लेकिन फिर फौरन ही मैंने अगले दिन या उससे अगले दिन पढ़ा कि जब चीफ जस्टिस जा रहे थे बाहर तो उन्होंने वही जो बात आपने की ना लिमोजीन ना वो वीवीआईपी गेट या वीवीआईपी या आपका जो है वीआईपी नहीं वीवीआईपी रूम इस्तेमाल करने से इनकार किया लिमोजीन में। अच्छा, और उन्होंने तलाशी भी दी उनकी बेगम ने भी। ये है एक बावकार आदमी जिसे देख के फख्र महसूस होता है, वन फील्स गुड, प्रोटेक्टेड, रिस्पेक्टेड। अब ये वो चीज़ें हैं जिनसे आवाम के अंदर नफरत और गुस्सा, और याद रखना देख कितनी भी ताकतवर हो एक हद के बाद गुस्सा और नफरत जो है ना वो जब स्टीम में इकट्ठी होती है तो फिर फट फटैया होता है, मेरी समझ से बाहर है। और सवाल जो मुझे हॉन्ट करता रहा और अब तक कर रहा है वो ये है कि जब आप बैरूने मुल्क लैंड करोगे क्या कोई भी वीवीआईपी हो या वीआईपी हो, बल्कि ये लफ्ज ही मकरूह है, ये लफ्ज मकरूहात में है। बंद करो ये इस्लामी वाला ड्रामा, खत्म। देखो बात सुनो, हुजूर जाया करते थे जब साथियों के साथ, घोड़े कम होते थे, बारियां लगी होती थी, साहबा ने मिन्नतें करनी, वो इश्क करते थे, वो प्यार करते थे, और मोहब्बत आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड पता नहीं क्या क्या वो मिन्नतें करते थे। आप तो हुजूर कहते थे नहीं मैं तुमसे कमजोर हूं, मेरी बारी पैदल चलने की है, मैं पैदल चलूंगा। अरे दर्द फिट है, बंद कर दो ये काम, शायद को बरकत पड़ जाए। मुनाफे को माफी नहीं है, गुनाहगार को है। ये जो मामला है ना, मैं मेरा कॉन्फिडेंस बहाल हुआ। और यकीन करो मैंने जब ये खबर पढ़ी तो मेरा ध्यान अदलिया की तरफ नहीं,
मेरा ध्यान गया इनकी तरफ, चीफ जस्टिस की तरफ, तो यकीन करो मैं 25% के करीब हिल गया। हिल इसलिए गया कि यार ये मुमकिन नहीं है, और मुझे अब भी नहीं पता कि ये हुआ है या नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो उन्होंने क्यों नहीं किया, और अगर उन्होंने नहीं किया तो वो अमलने का मैसेज दे रहे हैं। बहरहाल ये हमारे नसीब हैं, 75 साल जिस बुरी तरह बर्बाद हुए ये रवैयों की वजह से। कितने साल, जब से ये इक्तसादी बहरान इस मुल्क में आया, मेरा तकिया कलाम, क्या जालिमो जाहिलो तुम्हें तमीज नहीं, तुम्हारी इक्तसादियात नहीं है, तुम्हारी अखलाकियात का प्रॉब्लम है, याद रखना। हसन साहब, बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम के 100 रोज मुकम्मल हो गए हैं, जिसमें 16,000 गिरफ्तारियां हुई हैं, 2,24,33,00,000 के जुर्माने हुए हैं। एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में 100 घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये तो आपका ड्रामा है ना, जुमा 8 दिन हुए, 2,24,00,000, अभी ये मेरा ख्याल है कि पता नहीं 1/10 होगा टोटल चोरी का, 1/10 होगा, 15वां हिस्सा होगा, 20 मुझे नहीं पता। तो इतने सालों से चोरी हो रही है, ये कौन डकैत हैं, ये मिलके होता है यार, ये काम ऐसे नहीं होते, ये मिलजुल के होता है, और इन चोरों के पीछे डाकू होते हैं, डकैत। मैंने पहले भी कहा था, खुदा का वास्ता इसको समझो, जो बड़े लेवल पे होते हैं, ये जिसका 2 कमरे 4 कमरे 5 मरले 3 मरले 10 मरले का घर है, उस गरीब ने क्या कर लेना है, ज्यादा से ज्यादा मुजरिम वो भी है, बनाने वाले यही हैं। याद रखना एक बात मरियम, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, मनी बगेट्स मनी, पैसा पैसे को खींचता है, याद रखना जिल्लत जिल्लत को खींचती है। बद्यांती चोरी खयानत, बद्यांती चोरी खयानत को, गलाजत गलाजत को। अच्छा भला आदमी कूड़े के ढेर पे चीज फेंक देगा, क्योंकि वो है ही कूड़े का ढेर। जाहिल से जाहिल आदमी 5-स्टार 4-स्टार होटल में ले जाओ, उसकी जरूरत नहीं वहां को बोंगी मारे। एक एनवायरमेंट का प्रेशर होता है। हम एक प्रो बदी प्रो शर, कहीं शर कहीं जर, हम प्रो शर माशरा बन चुके हैं, और बदी के शेयर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। जो बद नहीं बनता, जो शर की तरफ माइल नहीं होगा, वो कुचला जाएगा। ये रूल ऑफ द गेम है। ये जो बुजकशी का मैदान बना हुआ है ना, आप ये बात करते हो कि इज्तमाई ज्यादती से लेके इज्तमाई बिजली चोरी तक, वो इसके पीछे कौन है रोल मॉडल्स, और वो कौन है, ये कायदीन। शक्लें देखो इनकी, शक्लें इनकी, बातें सुनो, ये कायदीन, ये रोल मॉडल्स हैं हमारे। वो कहते हैं जिदी चुन जाए वो इन्नी कबूटी लांदा है मुल्क दी, जुदा जबड़ा है वो फिर पर्चे ला के तो बाहर जायदादा बढ़ाता है, तो कारोबार करता है लंबे चौड़े। छोड़ो इसकी तरफ, ये ध्यान ना दिया करो, और दुआ करो उस वक्त की कि ये जो है ना जंगल ये बाकी रहे, उनसे जान छुड़ाए, 40-40 साल से जो चूस रहे हैं खून, ये बांस न रहा तो बांसरियां कहां बजाओगे, कहां? इशारा मेरा उस बांसरी की तरफ है जो रोम कहते हैं ना, जल रहा था तो नीरो बांसरी बजा रहा था। और एक बात याद रखना, ये जितने भी खरब लूट के ले गए हैं, इनको नहीं पता इनके साथ क्या होना है। वजह आज से 40-45 साल पहले भी दौलतमंद आदमी फलाना है जी, ये पता नहीं कोई रॉकफेलर था, तो कभी पता नहीं कोई फोर्ड्स थे, कभी फलां थे, पता नहीं होना सस्ता, पता नहीं क्या, मुझे नाम भी भूल गए अब सारे, क्यू हेफनर पता नहीं फलां में, ये किधर गए वो, सब की औलादें फारग हो गई, ख़त्म हो गया सारा कुछ, इनका भी ख़त्म हो जाएगा सारा कुछ। लेकिन इससे पहले, इनके खात्मे से पहले खुद ख़त्म कर दो इनको, अगर इस मुल्क का कोई भला करना चाहता है, नहीं तो मौज करो। ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, इलॉन मस्क ने इटालियन माओं को ताकीद की है कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, वरना उनकी नस्ल मिट जाएगी और असल इटालियन ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे।
यार खुदा के शुक्र है कोई ढंग का सवाल किया है। ऐसे मकरू बदबूदार सियासत मेरा ऐसा शांत हुआ है, मेरा ब्लड प्रेशर चढ़ता जाता है चढ़ता जाता है। मज़ा आ गया आपका सवाल सुन के। देखो हमारे यहाँ भी ख़ानदानी पहले मंसूबा बंदी कहते थे, बहपुते आबादी कहते, ड्रामे किस्म के लोग हैं। सीधी बात कराऊँ, अच्छा हमारा और उनका इल्हाक या इत्तेहाद बनता है हमारा और इटालियंस का। अब वो पूछो कैसे, वहाँ नस्ल मिटने का ख़तरा है, हमारे यहाँ आबादी के अलावा कोई चीज़ बढ़ती नहीं है। अब हम दो मुल्कों के दरमियान दोनों पार्टीज कहो, मुल्क नहीं, दोनों पार्टियां मिल बैठें तो शायद कोई दरमियानी रास्ता निकल आए। हमारे यहाँ आबादी कम होनी शुरू हो जाएगी। मेरे पास एक प्लान है, अगर ये हमारा महकमा बहबूदे आबादी या ख़ानदानी मनसूबाबंदी ये जो भी है, मेरे जहन में एक बड़ा क्रिएटिव किस्म का ख्याल है, मैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का आदमी हूँ, कि हमें और इटालियंस को मिलजुल के उनकी आबादी बढ़ानी चाहिए। ज़ाहिर है अगर जब हमारा फोकस होगा उनकी आबादी बढ़ाने पे तो अपनी ज़रा कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी, दोनों की लॉटरी निकल आएगी, मस्क साहब का मसला भी हल हो जाएगा। और सुभान अल्लाह यार सवाल क्या खूबसूरत है। मेरी बात अगर समझने में किसी को दिक्कत हो तो प्लीज़ हमारे प्रोग्राम में पता नहीं नंबर नंबर को चलता है हमारा कि नहीं, तो लोग इस पे कमेंट कर सकते हैं ताकि फिर मैं इस मसले को सीरियसली उठाऊं। देखें दो हैं तो सोशल मीडिया साइट्स पे फीडबैक दे दें, क्या कहते हैं। नहीं बिल्कुल हाँ, देखो ग्लोबल विलेज है यार, हम एक दूसरे के हमसाए पड़ोसी, मतलब हमसाए ही है ना, इतना सा तो कुर्रा है, जब दूर भी हो तो नज़दीक ही है वो। तो ये मेरे इस मशवरे पे गौर करें, पाकिस्तानी अपना कंट्रीब्यूशन करें, वो अपना कंट्रीब्यूशन करें, उनकी आबादी बढ़नी शुरू हो जाए, हमें कोई और मतलब नहीं, मसला हल हो सकता है, लेकिन जाहिर है इसके लिए बड़े विजन की ज़रूरत है। माशाल्लाह चलें ठीक है सर, बड़ा वैलिड सोल्यूशन दिया है आपने, आपका अच्छा मूड देखकर एक वीडियो लेकर आए हैं हसन साहब, वीडियो देखकर आपके जहन में क्या ख्याल आते हैं। अल्लाह की कसम मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इमीडिएट रिएक्शन था कि परवरदिगार मरने से पहले मौत से पहले मैं इससे आधी रौनक खुशी खुशहाली अपने हमवतनों के चेहरों पे देख सकूं। लेकिन इस ख्वाहिश के साथ मुझे ख्याल आया कि पता नहीं अल्लाह पाक सोचते होंगे कि ये तो हजार साल की ज़िंदगी मांग रहा है, शर्म नहीं आती हम लोगों को, हम इंजॉय करते हैं एंटरटेन होते हैं देखते हैं ये वो। कभी पाकिस्तानियों को नसीब हुआ कोई 1-2% आबादी के अलावा, ये बताओ मुझे, कभी शादियों ब्याहों पे कर लेते तो अब तो वहाँ भी फटकार पड़ गई है। चलो यही रद्द अमल है मेरा इसको देखने के बाद। बहुत खूब हसन साहब, इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, अल्लाह हाफिज़।